आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं दलिया। ये हमने दलिया बनाने के लिए ले रखा है टमाटर, प्याज, आलू, सोयाबीन की बड़ी जो हमने 10 मिनट पानी में भिगो ली है, और ये है दलिया। ये हम लोग इसमें डाल रहे हैं घी। घी डालने से दलिया खिला खिला बनेगा एकदम बढ़िया सा, ठीक है। अभी इसमें हमें डालना है दलिया। इसमें दलिया से पहले हम लोग डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद हमें इसमें डालना है जीरा, आने भूनना है, अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं राई। दलिया डाल के इसे भूनेंगे थोड़ी देर। तो अभी हमारा दलिया भुन चुका है, अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे और इसमें दोबारा घी डाल के प्याज भूनने के लिए रख देंगे। ये देखिए हम ये दलिया निकाल रहे हैं, कितना अच्छे से भुन चुका है। देखिए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब हम इसमें दोबारा से घी डालेंगे हम लोग, और अब इसमें हम लोग प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हमें भूनना है तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। क्या हो चुके हैं हमारी प्याज और टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये आलू डाल दिया है हमने, और डालेंगे इसमें सोयाबीन की बड़ियाँ। ये डाल दी हमने सोयाबीन की बड़ी। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं नमक। 2 चम्मच नमक डाल दिया है हमने। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और लाल मिर्ची स्वाद अनुसार डालिए। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये सभी चीज़ें भुन जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे दलिया और पानी। अभी ये भुन चुकी हैं, अभी इसमें हम डाल दें दलिया। अभी हमने दलिया डाला है, उसी कटोरी से हम मेजर करेंगे कि हमें कितना पानी डालना है। ये हमने डाल दिया 1 कटोरी पानी, और 1 कटोरी पानी डाल देंगे, और ये तैयार है। अभी हम इसे मिक्स कर देंगे, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा दलिया का मिक्सचर। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अभी इसको 2 विसल के लिए कुकर बंद करके रख देंगे। एंड अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। पहले मुझसे गलती हो गई थी, हमें 2 विसल नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। जब सर्व करके रख लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा।